कम एवरीवन, आज का जो पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक। इस पाठ के आज मैं आपको वन लाइनर्स क्वेश्चंस बता रही हूँ। पहला प्रश्न है, पाठ में सरकारी खैर ख्वाह किन्हें कहा गया है? खैर ख्वाह का तात्पर्य होता है शुभ चिंतक, यानी आपका भला चाहने वाला। तो यहाँ उत्तर आएगा शुभ चिंतकों को। प्रश्न है, कहाँ की रानी हिंदुस्तान पधारने वाली थी? उत्तर है इंग्लैंड। प्रश्न है, कहाँ की हर खबर हिंदुस्तान में सुर्खियों में दिखती है? लंदन की हर खबर जो है हिंदुस्तान के अखबारों में छपती थी और वह सुर्खियों में रहती है। महारानी ने कौन से देशों का दौरा किया? हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल। रानी एलिजाबेथ ने कितने रुपए खर्च करके रेशमी सूट बनवाया? उन्होंने 400 पाउंड रुपये खर्च करके भारत आने के लिए सूट बनवाया था। रानी के सूट का रंग कैसा था? हल्का नीला, और वह सूट जो था रेशमी धागे का बना हुआ था। दिल्ली की सड़कों को साफ क्यों किया गया? दिल्ली की सड़कों को इसलिए साफ किया गया क्योंकि महारानी आने वाली थी। उत्तर आएगा महारानी के स्वागत के लिए। प्रश्न है, नई दिल्ली में किसकी मूर्ति की नाक नहीं थी? उत्तर आएगा जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक के लोग कौन हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर कमलेश्वर जो हैं जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक हैं। सरकार ने जॉर्ज पंचम की नाक के लिए किन्हें तैनात किया? हथियारबंद पहरेदारों को। पहरेदारों की तैनाती के बाद भी मूर्ति से क्या गायब हो गया? नाक। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ। यह पाठ जो है व्यंग्य कथा के रूप में लिखा गया है। यहाँ पर सच में किसी की नाक नहीं काटी गई है, केवल यहाँ पर व्यंग्य करने के लिए नाक को काटने की बात कही गई है। किन लोगों की मीटिंग बुलाई गई? देश की भलाई चाहने वाले लोगों की मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में उपस्थित सभी इस बात से सहमत थे कि लाट की क्या तो होनी ही चाहिए। लाट का मतलब है मूर्ति, तो सभी ने कहा कि मूर्ति की नाक तो होनी ही चाहिए। जब मूर्ति की नाक गायब मिली तो सभी ने ये सलाह दी कि मूर्ति की नाक तो हमें मिलनी ही चाहिए। प्रश्न है, यदि मूर्ति की नाक ना होगी तो क्या नहीं बचेगा? उत्तर है, देश की नाक नहीं बचेगी। मूर्तिकार ने कहा, नाक तो लग जाएगी पर उससे क्या पता होना चाहिए? उसे यह पता होना चाहिए कि मूर्ति कहाँ बनी हुई है। मूर्तिकार ने क्या कह करके बात टाल दी? उसने कहा कि वह पत्थर विदेशी था। मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया? उसने कहा किसी और नेता की मूर्ति की नाक जॉर्ज पंचम की मूर्ति को लगा दी जाए। मूर्ति की नाक बदलने की बात कहाँ तक न पहुँचने की बात की गई? अखबारों तक न पहुँचने की बात की गई। मूर्तिकार ने कहाँ का दौरा किया? मूर्तिकार ने पूरे देश का दौरा किया था, यानी देश भर का। मूर्तिकार के पास किसका नाप था? मूर्तिकार के पास जॉर्ज पंचम की नाक का नाप था। भारत के सभी नेताओं की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से कैसी थी? बड़ी थी। यहाँ पर भी व्यंग्य है कि जॉर्ज पंचम की नाक छोटी थी, क्योंकि हम काफ़ी वर्षों तक विदेशियों के गुलाम रहे। तो यहाँ पर व्यंग्य किया गया है कि भारत के नेताओं की नाक तो जॉर्ज पंचम से बड़ी थी। हुक्कामों में खलबली क्यों मच गई? हुक्कामों में खलबली इसलिए मची क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक का साइज नहीं मिला। अंत में मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया? मूर्तिकार ने जिंदा नाक काट कर लगाने का सुझाव दिया। मूर्ति पर जिंदा नाक लगाने से कैसा लगा? ऐसा लगा कि सारे देशवासियों की नाक कट गई हो, क्योंकि यहाँ पर भी हम गुलामी का प्रतीक अपने आप को देख करके चल रहे हैं कि महारानी के आने पर किस प्रकार से जिंदा नाक को मूर्ति पर लगाने की कोशिश की गई। ओनली व्यंग्य है, वास्तव में किसी की नाक को नहीं काटा गया था। अगर एक इसमें आप काम कर सकते हो, जो आपका होमवर्क अगर कहें, तो यहाँ पर आप अपने वीडियो बनाइए और मुझे उसका लिंक सेंड कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपने आपके नोट्स का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने जो है ड्राइव में सेव करके मुझे सेंड कर दीजिए। जिसका भी मुझे नोट्स अच्छे लगेंगे जिस स्टूडेंट के, तो मैं अपने चैनल पर उसका पब्लिश करूँगी। और अगर आपको इसी तरह के क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो मुझे चैप्टर का नाम बताना,
जिससे कि मैं नेक्स्ट बार उसी चैप्टर पर वीडियो बना करके अपलोड कर सकूँ। और हाँ, आपका जिस दिन एग्ज़ाम हो उससे 2 या 3 दिन पहले मुझे बताना, एट ए टाइम क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।